हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ASK यूट्यूब चैनल। आप सभी का आस्था शिक्षा केंद्र के यूट्यूब चैनल में स्वागत है और मैं दिनेश चंद्रा, आस्था शिक्षा केंद्र का ओनर, आप सभी को लिए इन्फॉर्मेशन, एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आप पूरे बीच में देखेंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़ है कि स्टूडेंट, जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन आपकी BEd, MEd, UG, PG से रिलेटेड होगी इन्फॉर्मेशन, वो इसी चैनल पे ही आपके माध्यम, आस्था शिक्षा केंद्र के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाएगी। तो स्टूडेंट्स, मैं आज की जो सबसे बड़ी न्यूज़ मैं बताने वाला हूँ वो MDU के लिए पहले है। MDU ने, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, जो भी नोटिफिकेशन या न्यूज़पेपर में पहले जो कुछ VC साहब ने जो भी लिखी थी, उन्होंने वो सारे उनके आर्टिकल्स हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि MDU ने आज जो एग्ज़ाम्स होने हैं BEd फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए जुलाई ऑनवर्ड में, उनके लिए आज रीअपियर फॉर्म के एग्ज़ाम फॉर्म ओपन कर दिए हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन 1 जून से लेके और 23 जून तक होंगे। 6 जून लास्ट डेट है और 23 जून यानी 6 के बाद 7 से आपके फाइन, लेट फाइन के साथ ऑनलाइन फॉर्म रीअपियर सबमिट होगा। तो जिन स्टूडेंट्स की अपनी फर्स्ट ईयर में या MEd के फर्स्ट सेमेस्टर या UG, PG जो भी सेमेस्टर हैं या ईयर है, एनुअल मोड में है, तो वो भी अपने कॉलेज या इंस्टीट्यूट से कॉन्टेक्ट करें और अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल करवा लें। तो ये आज की न्यूज़ है। इसका मतलब ये पता लगता है कि MDU जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। UG और PG की हो सकता है कि MDU जो है आपकी ऑनलाइन में हो, लेकिन फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के जो एग्ज़ाम्स होंगे वो, अभी तक की जो न्यूज़ हमें मिल रही है वो यही है कि फ़ाइनल ईयर के तो रिटर्न एग्ज़ाम होगा ही होगा। रिटर्न एग्ज़ाम हो सकता है या ऑफलाइन, ऑनलाइन में भी हो सकता है। तो ये तो जब यूनिवर्सिटी देगी तो पता लग जाएगा और मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है कि BEd के जो स्टूडेंट वेट कर रहे हैं और जो मेरे स्टूडेंट हैं उनके लिए भी यही इन्फॉर्मेशन है, और जो भी व्यूवर्स हैं हमारे, जितने भी ऑल ओवर इंडिया के हैं जो MDU से एसोसिएटेड हैं, उन्हीं स्टूडेंट के लिए मैं बता देता हूँ कि आपके BEd फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स जुलाई में या जुलाई एंड में स्टार्ट होंगे और वो रिटर्न मोड में होंगे, ऑफलाइन मोड में होंगे, ऑनलाइन मोड में नहीं होंगे, जैसा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट वगैरह या कुछ है इस चीज़ को फैला रहे हैं। अभी तक की जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई हैं उसके अकॉर्डिंग तो मेरे पास न्यूज़ यही है, लेकिन अब जैसा कि UGC की गाइडलाइंस आई थी कि असेसमेंट के बेस पे आप फर्स्ट ईयर BEd स्टूडेंट को सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दो, लेकिन अभी तक वो गवर्नमेंट और जो हरियाणा गवर्नमेंट है और MDU के VC यानी MDU के बीच में अभी वार्तालाप चल रही है, तो उसका अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो जैसे भी कोई भी इन्फॉर्मेशन इस टाइप की आती है तो मैं ज़रूर आपको दूंगा। लेकिन अब आप मान के चलिए कि BEd फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे, 15 से 20 स्टूडेंट के गैपिंग पे होगा, 6 फीट की गैप होगा स्टूडेंट का जो एग्ज़ामिनेशन सिटिंग होगी। ये CRSU ने भी अभी सर्कुलर जारी किया है, उनके लिए भी यही है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि अब रीअपियर, जो स्टूडेंट्स रीअपियर के फॉर्म नहीं भरा अभी तक MDU के, तो वो रीअपियर फॉर्म एग्ज़ाम अपने स्कूल, अपने कॉलेज या अपने इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट करें। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हो गया MDU के BEd MEd से रिलेटेड। अब आ जाती है CRSU की गाइडलाइंस। CRSU ने क्लियर कर दिया है कि टर्मिनेटिंग और एनुअल या सेमेस्टर मोड के स्टूडेंट के लिए भी कि इनके एग्ज़ाम्स ऑफलाइन में होंगे, कुछ स्टूडेंट के जो है ऑफलाइन में होंगे और UG या PG के, लेकिन BEd टीचिंग, मेरा मेन मकसद है टीचिंग का बताने का, तो टीचिंग डिपार्टमेंट ने ये अभी तक का जो ऐलान किया है या इसका नोटिफिकेशन आप पढ़ भी लेना, जो नोटिफिकेशन दिया है वो यही है, 6 फीट के डिस्टेंस पे जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। ठीक है, 6 फीट के और 15 से 20 जो है एक क्लास के अंदर स्टूडेंट्स होंगे, जो एक 40 स्टूडेंट होते थे वो ना होके अब सिर्फ 15 से 20 स्टूडेंट होंगे और एक इन्विजिलेटर इसके अंदर होगा। तो और सबका इसमें ये भी दिया, बहुत अच्छी चीज़ें दी हुई हैं कि सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था की जाएगी और सारी चीज़ें का, अगर हर एग्ज़ाम के बाद या स्टूडेंट भी मास्क के साथ आएगा और अपना
जो भी होगा अपना सैनिटाइजेशन के लिए अपना इक्विपमेंट लेके आएगा और सब चीज़ें देखिए। तो मुझे स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। तो ये अभी तक की इन्फॉर्मेशन कि बीएड और एमएड के एग्ज़ाम्स जो है ऑनलाइन ना होके ऑफलाइन में ही कंडक्ट होंगे, अभी तक की इन्फॉर्मेशन है, यानी हो सकते हैं। बाकी अगर कोई पैंडेमिक सिचुएशन COVID-19 के सिचुएशन ख़राब हो जाती है बहुत कुछ, तो जो गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन रिलीज़ करेगी वो आप तक मैं ज़रूर पहुंचाऊंगा, पूरी सही न्यूज़ दूंगा, कोई इसमें झूठी खबर नहीं होगी। ये जो नोटिफिकेशन दिया है MDU CRSU और GJU हिसार यूनिवर्सिटी के लिए है। तो सभी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी स्टडी पे फोकस करें, घर पे पढ़ें, अपनी फाइल और सारी चीज़ें पूरा असाइनमेंट वगैरह बना के रखें, जिससे कि अगर कोई सिचुएशन ख़राब होती है और असाइनमेंट या फाइलें बनी होंगी तो हो सकता है सिचुएशन ख़राब होने पे MDU ये भी डिसीज़न ले सकती है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।